नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियां। आज जरूर ट्रैक पर रिएक्शन होगा, पर उससे पहले आई रियली वांट टू कॉन्फेस समथिंग टू यू ऑल। आई मीन बहुत सीरियस बात है, इसको ढंग से सुनिएगा। इट्स नॉट अ जोक, इट्स दैट जब भी किसी टाइटल में जोक है, JJ47 और तदा अंजुम लिखा होना, तो उस टाइटल को कभी इग्नोर मत करना। टाइटल पढ़ते ही, थंबनेल देखते ही उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि ये तीनों लेजेंडरी लोग हैं। और जब तीन लेजेंडरी यू नो हीरोज, एक्चुअली एक्टर्स नहीं कह रही हूँ मैं, हीरोज एक साथ मिल करके किसी काम को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो गाना, वो काम ऑफ लिमिट्स होता ही है। और आज हम जिस ट्रैक को सुनेंगे, जरूरत को सुनेंगे, उसमें इन तीनों का योगदान है। तो बस भाई सुनते हैं इस गाने को। मैं बहुत हद से ज़्यादा वाली एक्साइटेड हूँ, एंड स्पेशली तला अंजुम का जब सॉन्ग होता है तो मेरे को बहुत अच्छी वाली एक्साइटमेंट होती है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि कोई क्रश वाला सीन नहीं, इट्स दैट आई लाइक हिम एज अ पर्सन। अभी भी मेरे को बहुत पसंद है और मेरे को हमेशा पसंद रहेंगे। और एक दिन हम मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे तुम लोग पोस्ट वोस्ट देख लेना फिर, ठीक है? तब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहां पे रहता है कॉमेडी कंटेंट और यहाँ पे रहते हैं रिएक्शंस, डोप रिएक्शंस, रैप्टिक रिएक्शंस। 15 सेकेंड म्यूजिक का फील ले लो, उसके बाद बार्स आएंगे, वर्सेस आएंगे। मौज में तू और मैं, तुझ में रहूं सदा जिंदा, पर तुझे ही ये क्यों ना दिखता, हाल दिल जो है लिखा। खोज रहा जैसे धूप से छांव का पता पूछ रहा, सो लॉस्ट, खो चुका कब का कोई ढूंढे तो माने, मैं एक पहेली, पहेली कोई बूझे तो जाने, पत्थर दिल रखती तुम ना समझोगी ये बातें, अभी जरूरत से जरूरत मैं तेरी जरूरत, अब नहीं तुम अंधेरी राह मंजिल मेरी दूर, अभी बोढ़ ले मोर नहीं चाहता टूटे सुरूर, अभी तब भी तुमको चाहा दिल से ना की अपनी मर्जी, जानते हुए के ये सब तेरे लिए है फर्जी, दुनिया है फानी कुछ भी नहीं बचेगा, इधर पढ़े ना तुझ पे कहर, बस यही रहती फिकर, गिरता पड़ता वही छोड़ गई तुझे इधर, मेरे दर पे आके देख कितने है दर्द, कितने है दर्द। अंधेरा कमरे में कमरा ब... Wait, I have to stop it in between just to say के यार जोखे इतना अच्छा लड़का है and why is it happening with him? और ये खाली उसकी बात नहीं है, mostly मैंने देखा है कि जितने भी अच्छे लड़के होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही है, अच्छे लोगों को बख्शता नहीं है यार खुदा। JJ47 का सुनते हैं और experience करते हैं music। I hope कि ये emotional ना हो, जैसे जोखे का rap बहुत emotional था वैसा senti नहीं होना चाहिए, कुछ inspiring। दो जख्म में बैठा पर लग रही ठंड, मैं मजलूम और खुद ही मैं खुद पे जालिम, खुद को दुफत वे जैसे मैं ठहरा आलिम, छोड़ देश धर्म जात वात फिरका, बैठ बात कर लगा अपना जिरगा, बस मेरा बस रहा ही ना बस में, सुलझा इसे दर्द बना सर का, वो भी हल्की दिल का ये हल्का, सब बिखरा जो मामला था कल का, कहे लोग लगे रोग उसे दिल के, और किसा वही बुरा बन बैठा लड़का, गाने लिखूं तुझ पे तो लगे मुकालमा, तुझे तब भी था डर अभी है तू आजमा, बेफिक्री में कहती कुछ हुआ ही नहीं, तुझे पता नहीं क्या कुत्ती चीज है खारमा, तुम अरूज मेरा तुम ही गरूब हो, जिस्म जैसे सर्द और तुम सर्दियों की धूप हो, तुम खूब हो का कोई रूप हो, साहिल बड़ा दूर और जा रहा डूब, ओ
कैसे झूठ सारे, तुमने दिए जहर भरे घूंट सारे, चल ढूंढ सारे, जितने भी गिरे आंखों से बूंद सारे, you gotta wait for it, तेरे बस की ना, you're wrong girl, वरना तो रस्ती ना. Why you made him cry? गलत है ये. तुम कैसे समझोगे मुझको, मैं नहीं समझा, सब कुछ था हाथों में, बस तू ना, यही गम था, दुखता है, दिखता है, दिल सस्ता यहाँ बिकता, बैठा हूँ सोचो में, रब किस मत भी क्या मजबूर थे हम, साथी तो थे लेकिन हम कितने दूर से, अंधेरा दोस्त और हम डरते रहे नूर से, दिले मजबूर मुखातिब दिले मगरूर से, तुझ पे लिखे कितने गाने तुझे पता ही नहीं, मैं दगादार एतबार अब कोई बचा ही नहीं, ये अच्छा नहीं कि हम दोनों मिलते ही नहीं, मुरझाए फूल बेहतर है कभी खिलते ही नहीं, नहीं नहीं तू वो नहीं जो मैंने तुझे समझा था, नहीं नहीं अब मैं वो नहीं जो तेरे पीछे मरता था, हाँ मुझ में ईगो बहुत, बोलो किस में नहीं है, इधर वो भी चौड़े में घूमते जो कुछ भी नहीं है, पर कुछ भी कर लूँ तेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है, जैसा मुझे बनाना चाहती वैसी वो खुद भी नहीं है, जितनी एक्सपेक्टेशंस मुझसे वो लगाए बैठी, उतनी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मुझे नहीं है, आई मेड दैट लव सॉन्ग और उसमें कहा था कि रहेगी मेरी जगह मखसूस तेरे दिल में, अब याद करूं तो दिस वन बार फकिंग किल्स मी, नशे में धुत होके दुनिया से लाइल्मी, लिखता डीप वो कहते कि ये लड़का फिल्मी, कम सी मी व्हेन आई एम फक्ड अप, दैट्स द रियल मी, ए नहीं होता ना ये गाना बंद तो बेटर रहता, आज पूरा खो चुकी थी मैं, जेन्युइनली इस गाने के अंदर खो गई थी पूरा का पूरा, आपका मुझे नहीं पता यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप भी खो गए थे क्या, और यही चीज जो मैंने बीच में रोक के बोली थी कि यार अच्छे लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, देखो वही बात है कि अच्छे लोगों की हर जगह कमी है और खुदा अच्छे लोगों को नहीं बख्शता, वो आपकी टेस्टिंग करता है और आप उस टेस्ट में ना अव्वल आते हो हमेशा, यू क्लियर दैट टेस्ट, यही होता है ना कि जिस इंसान की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, ज्यादा उसको चीजें देखने को मिलती है, ज्यादा दुख देखने को मिलता है ना, खुशी भी उसी की जिंदगी में आगे ज्यादा होती है, तो अगर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के लाया रिएक्ट फैमिली के किसी भी इंसान के साथ ऐसा हुआ है कि यू नो ब्रेकअप हो गया किसी गलत टॉक्सिक इंसान के साथ वो थे और उस वजह से उनको बहुत सफर करना पड़ रहा है राइट नाउ या फिर वो कर चुके हैं, तो कंग्रेचुलेशंस यार, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, अभी जितनी सक्सेस है ना उससे इनटू 100 आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मेरी दुआ है आपको। गाने के अंदर मुझे सबसे अच्छा वर्स मैं बता नहीं सकती किसका लगा है क्योंकि मुझे तीनों का ही बराबर तरीके से अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था यार जब जोखे ने गाया था तो स्टार्टिंग से गाने की फील इतनी अच्छी मेंटेन हुई थी कि आई वाज नॉट शॉक्ड, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग का वर्स थोड़ा ढीला है और फिर अगर आगे वाला वर्स बहुत तगड़ा आता है तो आप शॉक हो जाते हो, बट इस गाने में वो चीज थी ही नहीं, शॉक वाली फील मुझे आई नहीं क्योंकि स्टार्टिंग से गाना वॉज A1 यार।
सो दैट्स इट, दिस वॉज माई रिएक्शन. नेक्स्ट किस ट्रैक पर रिएक्शन करना है प्लीज कॉमेंट्स में बताओ. यंग सिनर्स का सॉन्ग बताओ या फिर कोई भी उर्दू रैप या हिंदी रैप, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट कॉमेंट डाउन. सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बहुत बार पता है क्या होता है, तुम लोग सब्सक्राइब कर देते हो, बेल आइकन नहीं दबाते, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती, और फिर तुम मेरे को करते हो इंस्टाग्राम पे के यार देखो तुमने उसका रिएक्शन ही नहीं डाला, राबता सॉन्ग आया उसका रिएक्शन ही नहीं डाला, अफसाने का वीडियो आया उसका रिएक्शन ही नहीं डाला. बल्कि असलियत ये होती है कि मैं डाल चुकी होती हूँ ऑलरेडी रिएक्शन, बट तुमको पता ही नहीं चलता क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते. तो उसे दबा दो, इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, लाइक कॉमेंट शेयर एवरीथिंग, सपोर्ट दिस चैनल, ताकि इस चैनल पर कभी भी उर्दू रैप रिएक्शन बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि आई पर्सनली लव देम वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Bye bye, this is Kilaya React.